जैसा कि आपने थ से देख के लिया होगा कि आज मैं सफाई की जो 70 परसेंट ऑनलाइन सेल थी उसके बारे में बात करने जा रही हूँ सफाई को कौन नहीं जानता मुझे नहीं लगता कैसा कोई होगा तो तुम्हें पता नहीं है कौन है जी तो नाज़रीन। मैंने इस दफ़ा जब सेवेंटी परसेंट ऑफ में से सफाई में से ड्रेसेस मंगवाए तो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि उस डिस डिसअपॉइंटमेंट की बहुत सी रीज़न् थी फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे अभी आप ये ड्रेस देखने इसके स्लीव्स नहीं थे तो मॉडल्स ने भी जब वेयर किए हुए थे तो उसमें स्लीव्स नहीं थे लेकिन हमेशा की तरह मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि माइट भी ऐसा हो कि बल्कि ऐसा होता है कि उसके स्लीव्स होते हैं वो अंदर होते हैं कि जिसकी मर्जी होती है वो उसको अटैच करवा लेता है जिस जो नहीं चाहता वो अटैच नहीं करवाता लेकिन हम लोग तो पाकिस्तान में रहते हैं मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो हैं वो विदाउट स्लीवस ड्रेसिस नहीं पहन सकती आ, इस वजह से मेरे माइंड में यही था कि स्लीव्स होंगे लेकिन जब वो ड्रेसेस आए मैंने उनको देखा तो मैं स्लीव्स ढूंढती ही रही लेकिन मुझे वो ड्रेसेस स्लीव्स उनके इसके अंदर से नहीं मिले तो मुझे तो ड्रेस आ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ लेने का क्योंकि मुझे अभी मार्केट जाना है अभी मैंने रेडीमेड ड्रेसेस किए हैं लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे अभी मार्केट जाना है इन ड्रेस मुझे इनके साथ स्लीव्स जो है वो भी दोबारा से जो है बाई करने हैं उसके बाद अपने टेलर से उसको अटैच करवाना है मेहनत भी है और ऑब्वियसली थोड़ा सा पैसा मज़ीद इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ना डिसपॉइटमेंट हुई इसके अलावा कुछ ऐसे थे ड्रेसेस ट्राउज़र्स जो जैसे मंगवाए थे वो वो नहीं आई कोई और उन्होंने भेजे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगा इस दफ़ा मुझे लिटरली डांट भी बहुत बड़ी है अपनी मदर से तो मेरा ख़्याल है कि नेक्स्ट टाइम जब सेवेंटी परसेंट ऑफ़ होगा तो मैं लेना प्रेफर नहीं करूँगी मैं सौ सो दफ़ा सोचूंगी और उसके बाद मेरा ख्याल है मेरा आंसर ना ही होगा तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ और आप सेवेंटी परसेंट ऑफ़ में से लेना पसंद करेंगे